वेलकम बैक टू माई चैनल. सो आई एम हेयर एट एरोसिटी बिकॉज आई हैड अ प्लान टू मीट माई फ्रेंड्स एंड वी ऑल आर गोइंग टू 18 कम्यून विच इज़ ओन बाई विराट कोहली. सो बहुत टाइम से प्लान कर रखा था कि यहाँ पर आना है एंड फाइनली आज ना प्लान बन गया है बिकॉज आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स. इट्स काइंड ऑफ अ गर्ल्स लंच काइंड ऑफ अ थिंग एंड क्योंकि सबसे पहले मैं आ गई हूँ सो आई थॉट आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग. अदरवाइज तो ना जल्दी जल्दी में रह जाता है. Since I was the first one to reach, I booked a table for 4 while my friends were still coming. And ये ना बाहर का area है जो कि winters में एकदम suitable है. आप यहाँ पे बहुत सुंदर pictures ले सकते हो, बाहर बैठ के अपना खाना order कर सकते हो. I love the outside seating. But उस time थोड़ी गर्मी थी तो मैं गई अंदर and उस दिन ना India and कोई और opposite team का match चल रहा था. I don't exactly remember. बट जब भी मैच चले और आप विराट कोहली के रेस्टोरेंट में बैठे हो तो अलग ही फील आती है मैच देखने की. एंड एज यू कैन सी एम्बियंस इज सुपर प्रिटी एंड हर चीज़ इतनी क्लासी है एंड टी शर्ट एंड ये ना वॉल्स पे बहुत ही सुंदर डेकोर हो रखा था. विराट कोहली के सिग्नेचर्स भी थे नियॉन कलर के एंड आई लव द वाइब देयर. एंड बारी आती है अब खाने की बिकॉज माई फ्रेंड्स केम एंड हमने ये ड्रिंक्स ऑर्डर करी एंड द फनी पार्ट इज मेरी फ्रेंड को इसका ग्लास अच्छा नहीं लगा सो वी ऑर्डर अनदर ड्रिंक. नॉट अनदर ड्रिंक आई मीन वी टोल्ड द भैया टू चेंज द ग्लासेस तो उन्होंने ना थोड़ी सुंदर से ग्लासेस दे दिए थे एंड देन वी वर हैप्पी. एंड ये चल रहा हमारा फोटो सेशन. बाय द वे हमने इतने टाइम तक ऑर्डर कर दिया था खाना एंड यू कैन सी ये हमारे ग्लासेस थे उन्होंने चेंज करके दे दी थी. एंड आई मस्ट से कि अब थोड़ा बेटर लग रहा था. सो प्रेजेंटेशन अच्छी थी. हमारा सैलेड भी आ गया था विच वॉज क्वाइट अमेजिंग. मैंने बाहर जाके कभी सैलेड नहीं खाया था बट आई मेड अप माई माइंड कि मैं ज़रूर खाने वाली हूँ इधर का सैलेड क्योंकि मैंने सुना था कि काफ़ी टेस्टी होता है एंड एक्चुअली इट वॉज टेस्टी. एंड दिस इज़ हाउ दे प्रेजेंटेड देयर कटलेरी इन दिस बॉक्स. तो काफ़ी हाइजीन था, बहुत मल्टीपल हाथ नहीं लग रहे थे. ये आपको प्रॉपर बॉक्स में दिया गया था. देन कम्स दी वेरी फेमस वाइट सॉस पास्ता. ये जो वो बोलते हैं ना बहुत एक्सपेंसिव व्हील, चीज़ व्हील में पास्ता बनाया हुआ था ये वो था एंड बहुत यमी था. नहीं तो वाइट सॉस पास्ता इतने टेस्टी होते नहीं हैं बट आई लव द पास्ता हेयर. एंड ये आए थे विराट कोहली के फेवरेट मशरूम गूगली मोमोज, या इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन इसका यही नाम था. एंड दीज वर क्वाइट गुड. अच्छा लगा खाना, बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग नहीं था, बहुत अच्छा खाना था. थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे जा सकता है बट इट्स वर्थ इट बिकॉज वाइब्स बहुत अच्छी हैं एंड खाना भी अच्छा है. प्रेजेंटेशन तो है ही टॉप नॉच. एंड देन ये डेजर्ट आई थी एंड इट वॉज गुड एज वेल. बट इसमें जो पॉपकॉर्न्स थे ना वो मुझे थोड़ा ऑफ लग रहे थे बट ओवरऑल इट वॉज गुड. एंड आई मस्ट से यू शुड विजिट दिस रेस्टोरेंट इफ यू हैवन विजिटेड येट, अदरवाइज यू विल रिग्रेट आई एम श्योर. सो वी हैड अ ग्रेट टाइम देयर. ये गर्ल्स डेट के लिए या फिर आप कहीं भी जा रहे हो किस कोई भी ओकेजन के लिए दिस आउटलेट इज गुड. सो आई वुड रेट इट एज 9 out of 10. एंड टाइम स्पेंड करते करते ना रात हो गई थी एंड रात को भी वहाँ की वाइब्स आई मीन द वर्ल्ड मार्क की वाइब्स बहुत ही बढ़िया थी. मुझे पर्सनली ये जगह बहुत पसंद है. एंड इस वीडियो में इतना ही. आई होप यू लाइक द वीडियो. मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. इट वुड रियली मोटिवेट मी. सो या दैट इज इट एंड या बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.